हेलो स्टूडेंट, एक खुशखबरी मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब निकलने वाला है। एक नया अपडेट आ चुका है जो आप पेपर में भी पढ़े होंगे और समाचार पत्रों में भी दिख रहा होगा, न्यूज़ चैनल पर भी दिख रहा होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, भ्रम फैलाने वाला मैसेज जारी है। लेकिन मैं एक आपके लिए नया अपडेट लेकर के आया हूँ, न्यू अपडेट। ये आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कब निकलेगा, इसका एक नया अपडेट लेकर के आया हूँ जो आपको थोड़ा सा भी भ्रमित नहीं करेगा और एक्चुअल डेट आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि सही सोल्यूशन आपको मिल सके। तो यूपी बोर्ड की तरफ से जो नया अपडेट आया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद एग्जाम परीक्षा भी दिए हैं और परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और वह रिजल्ट अब आने वाला है, उस समय का इंतजार अब पूरा होने वाला है। इससे पहले मैं एक और सूचना आपको दे दूं कि सभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को सूचित किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, वो अपनी ईमेल आईडी अपने स्कूल कॉलेज पर ले आकर के जमा कर दें, ताकि उनको बोर्ड यह सोच रहा है कि अब जब भी उनको रिजल्ट जारी किया जाए तो रिजल्ट उनको ईमेल आईडी के माध्यम से उनको ईमेल आईडी पर जाए, उनके ईमेल आईडी पर चला जाए, ताकि वो आसानी से देख सके अपने रिजल्ट को। तो अभी बहुत कम बच्चों ने उसे पहुंचाया है माध्यम तक। तो आगे अब हम आपको दिखा रहे हैं एक स्लाइड के रूप में। एक साथ में मैं दो खुशखबरी आपको लेकर के आया हूँ। पहली खुशखबरी क्या है, आप देख रहे हैं 52,214 विद्यार्थियों की नहीं बन पाई ईमेल। यानी पहला खुशखबरी आपका है 52,214 विद्यार्थियों की नहीं बन पाई ईमेल। तो जो सूचना है आपका, जो पहला सूचना ये है, तो पहले सूचना में यहाँ दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ जो स्लाइड है, इस स्लाइड पर आप देखेंगे कि यूपी बोर्ड ने इस बार सभी छात्रों को उनकी ईमेल पर रिजल्ट भेजने का ऐलान किया है। बरेली में कक्षा 9 से 12वीं तक के 1,87,627 विद्यार्थियों की ईमेल आईडी 31 मई तक तैयार करनी है। अभी तक 1,30,413 की ईमेल ही बन पाई, यानी 1,30,413 लोगों का ही ईमेल आईडी बन पाया है, बाकी अभी लोगों का बाकी है। यूपी बोर्ड और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जून के पहले अथवा दूसरे हफ्ते में आना है। यानी पहले अथवा दूसरे हफ्ते में जो ईमेल के माध्यम से जो परिणाम आने वाला यूपी बोर्ड रिजल्ट 10 और 12 का, इस बार बोर्ड ने सभी छात्रों के ईमेल आईडी पर भी परिणाम भेजने की तैयारी की है। इसके लिए सभी स्कूलों को 31 मई तक 100% छात्रों की ईमेल आईडी तैयार करने का निर्देश दिया गया था। यानी सभी लोगों को यह अपडेट दे दिया गया था स्कूल वालों को कि आपको 31 मई तक सभी बच्चों का ईमेल आईडी वेबसाइट पर, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर अपडेट कर देना है। कक्षा 10 और 12 में पढ़ने वाले छात्रों के साथ साथ कक्षा 9 और 11वीं के सभी छात्रों को भी ईमेल आईडी बनानी है। निर्देश के आने पर जब तक काम शुरू हुआ तब तक गर्मी की छुट्टी भी शुरू हो गई, अधिकांश शिक्षक छुट्टियों पर कहीं चले गए, इस कारण अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 52,214 छात्र छात्राओं की ईमेल आईडी नहीं बन पाई है। इस बार कक्षा 10 के 46,196 व कक्षा 12 के 37,397 विद्यार्थियों ने बोर्ड की परीक्षा दी थी। यहाँ जो दे रहा है यह एक मानक है जिस पर बच्चों ने परीक्षा दी थी और उनका परिणाम घोषित होना है। यूपी बोर्ड ने सभी छात्रों को ईमेल पर रिजल्ट भेजने का किया फैसला, 31 मई तक स्कूलों में बननी थी ईमेल, कार्य पर की धीमी रफ्तार। शासन ने सभी विद्यालयों को वेबसाइट बनाने का निर्देश भी दिया था। बरेली के 419 स्कूलों में से 164 में ही वेबसाइट निर्माण का कार्य चल रहा है। 57 राजकीय, 53 एडेड स्कूलों व 95 वित्तहीन स्कूलों ने वेबसाइट निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। तो ये रहा है आपका एक दिशा निर्देश जिसके माध्यम से आप अपने स्कूल पर जाकर के और अपने ईमेल आईडी को जल्द से जल्द अपडेट कराने का काम करें, क्योंकि जो सरकार ने मांगा है ईमेल आईडी पर ही गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिजल्ट आपका आएगा उसी के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, कोई भी सूचना आएगा उसी के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और यहाँ जो स्लाइड में पूरा दिख रहा है वो पूरा स्लाइड पर आप देखते रहिए। और दूसरा अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, यानी यूपी जो बोर्ड का है वो रिजल्ट, न्यू अपडेट यानी रिजल्ट कब आएगा इसको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं आप, स्लाइड में दिख रहा है यूपी बोर्ड जून के दूसरे सप्ताह में आ सकता है हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट। यानी हाई स्कूल और इंटर का जो रिजल्ट आने वाला है वो जून के दूसरे सप्ताह में आ सकता है। यह पत्रिकाओं के माध्यम से
जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के माध्यम से और टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड सत्र 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम जून में दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। परिषद लिखित और प्रायोगिक परीक्षा परिणाम का मिलान कर परिणाम को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। यह काम 10 जून तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद परिषद जून के दूसरे सप्ताह में कभी भी परिणाम जारी करने की तिथि का ऐलान कर सकता है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा विधानसभा चुनाव के बाद 24 मार्च से 13 अप्रैल के बीच संपन्न हुई थी हाई स्कूल और इंटर की। इसमें कुल 51,92,689 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या 27,81,654 थी और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की संख्या 24,11,035 थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर कुल 47,75,749 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो इन सभी लोगों का जल्द से जल्द रिजल्ट, यानी जो जून आ रहा है, जून के दूसरे सप्ताह में ही रिजल्ट आपका घोषित होने वाला है और 10 तारीख तक सारी जो प्रक्रियाएं हैं, सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और उसके बाद रिजल्ट जो आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सूचना हेल्पफुल होगा, समझ में आ गया होगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, ताकि और भी अगर तैयारी आपको करना हमारे चैनल पर आकर कि हमारे चैनल पर रियल जो सूचना रहता है वो आपको बताया जाता है। किसी प्रकार की फर्जी सूचना का ब्यौरा आपको नहीं दिया जाता है, जो रियल सूचना रहता है उसी को आपको दिया जाता है, जब उसको वेरीफाई हम कर लेते हैं उसके बाद ही। तो आप हमारे चैनल पर आए, आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत अच्छे तरीके समझाए जाते हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। और आज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।